Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, साल 1993 में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खलनायक। इस फिल्म का एक गाना था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, उस वक्त बेहद लोकप्रिय हुआ था। ये गाना आजकल यूपी में नए मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर पर भी फिट बैठ रहा है। खुद को गब्बर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में उस मोड से बाहर निकल आए और अब खुद को नायक कहने में लगे हुए हैं। पहले खुद को बताया था गब्बर। दरअसल मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे भी गब्बर समझ लो। उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ लेकिन सफेद गमछा मत लगाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ। पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर दिखेगा, जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि दरोगा डीएमएसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। शोले में एक गब्बर सिंह था, दो मुझे भी आप लोग गब्बर हैं समझ लो। अब राजभर ने खुद को कहा नायक। हालांकि बयान की चर्चा होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही राजभर खुद को नायक बताने लगे हैं। एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर राजभर ने उसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश का एजेंट बताते हुए गब्बर वाले बयान को लेकर सफाई दी। राजभर ने कहा कि गरीबों की सेवा के लिए उनके मन में उत्साह है। सदियों से गुंडागर्दी के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के मनोबल को दबाया गया था। उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूर्वांचल की भाषा में उनको बोलते हैं, आपको आप दूसरी भाषा में समझते हैं जबकि हमारी भाषा दूसरी होती है। वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो की भूमिका थी। शोले फिल्म में हीरो कौन था, खलनायक उसको बोलोगे। सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री बैठकर ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे, हम मंत्री बनेंगे, बोलो कहां था ना या नहीं। ललकार कर कह रहा था कि मंत्री बनेंगे और बनकर दिखा दिया। आज मुख्यमंत्री की पावर के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो ओम प्रकाश राजभर के पास है। बाकी जिस तरीके से पलटी मार दिए हैं ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से, उस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।